हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं कुछ फुटवेयर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने शॉपसी से और मार्केट से लिए हैं। शॉपसी पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर जो है हमें बहुत ही अच्छे जो है फुटवेयर, सैंडल, वेजेस वगैरह मिल रहे हैं। तो अगर इसमें से आपको कोई पसंद आता है तो आप चेक कर सकते हैं शॉपसी पर। शॉपसी जो है वो फ्लिपकार्ट का ही ऐप और इस पर जो है हमें काफ़ी कम कीमत पर जो है अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं ये जो पहली वाली सैंडल है ये शॉपसी से मैंने ली है। तो ये मैंने 200 रुपये के अंदर कुछ 180 रुपये की मैंने ये जो है सैंडल ली है। ये है इसका पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी के साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए कि हमें पहनने में चलते वक्त जो है हमें पैरों में दर्द ना हो। तो बहुत ही अच्छी ये सैंडल है और मैं इसमें जो जितने भी आप लोगों के साथ ये फुटवेयर शेयर कर रही हूँ ये रेनी सीज़न के हिसाब से बरसात के मौसम में हम आसानी से इसे पहन सकते हैं, जैसे कि पानी वगैरह है, और बारिश के मौसम में हम इसे आसानी से पहन सकें। तो पीछे का जो हिस्सा है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सामने से भी जो है इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, पहनने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं ये सैंडल्स और कंफर्टेबल भी हैं, और प्राइस के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत ही रिजनेबल है। तो बहुत ही अच्छी ये सैंडल है शॉपसी पर, अगर आप देखना चाहें लेना चाहें तो चेक कर सकते हैं शॉपसी पर और फ्लिपकार्ट पर, दोनों पर ही ये अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये सैंडल है। तो टिकाऊ है तो काफ़ी दिनों तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पूरा ही बरसात का मौसम हम इसमें पहन सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। तो ये जो दूसरा वाला जो वेजेस है ये भी मैंने शॉपसी से ही लिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी जो है ये सैंडल है। तो इस वेजेस को भी मैंने 200 रुपये के अंदर 177 या 175 में कुछ लिया है, और पीछे साइड से भी ये काफ़ी अच्छी है ये सैंडल्स, और सामने की तरफ जो है अगर हम पहनते हैं तो अंदर जो है ये वेलवेट वाला मटेरियल यूज़ किया गया है, तो हम पहनते तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत आरामदेह लगता है। तो चप्पल ऐसी होनी चाहिए अगर हम जब कभी भी पहनते हैं या चलते हैं तो हमें कम्फर्टेबल महसूस हो, बिल्कुल भी हमें उसमें चुभे नहीं और हमारे पैरों में दर्द नहीं हो। तो काफ़ी अच्छा जो है इसका मटेरियल है ब्लैक वाली इस सैंडल का। अब देख लेते हैं ये तीसरी वाली। तो ये वाली जो है ये मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। ये चप्पल जो है फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों पर अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो बहुत ज़्यादा आरामदेह चप्पल पहनना चाहते हैं, जिनको पैरों में तकलीफ़ होती है चलते वक्त, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मीशो पर अवेलेबल थी इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया है, और ये कुछ 400 या 450 के करीब हमें मिल जाएगी और बहुत आरामदेह और बहुत कम्फर्टेबल चप्पल है। अब ये जो अगली वाली जो चप्पल है ये जो है मैंने डीमार्ट से लिए, जैसा कि मैंने कहा बरसात के मौसम के हिसाब से ये सारे फुटवेयर हैं। तो डीमार्ट की जो चप्पलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं, और इनके भी प्राइसेस जो है बहुत कम होते हैं। तो ये वाली भी कुछ 200 के अंदर मैंने 175 या 176 रुपीज़ की ली है, और देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देती हैं इस तरीके की चप्पलें। अगर जैसा कि हम बरसात के मौसम में डेली यूज़ के लिए रफ़ कोई चप्पल देखना चाहते हैं तो इस तरीके की चप्पल हम ले सकते हैं, डीमार्ट में बहुत ही सस्ते दामों में हमें मिल जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपने फुटवेयर शेयर किए, जो कि मैंने 2 जोड़ी शॉपसी से लिए थे और 2 जोड़ी जो है मार्केट से लिए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।